हेलो गाइस, वेलकम टू इजी इलेक्ट्रिकल। तो इट्स पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की सीरीज़ में अपन प्रीवियसली देखा कि सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर पे अपन आर आर एल लोड आर एल ई लोड एंड जैसे आर एल फ्री व्हीलिंग डायोड के साथ अपन ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोड लगा के देखे थे। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन इसी सीरीज़ में अपन देखते हैं कि सिंगल फेज फुल वेव मिड पॉइंट टाइप का जो रेक्टिफायर है उसके ऊपर अपन आर एल लोड लगाते हैं। तो उसके सर्किट डायग्राम देखते हैं, उसके बाद जो वेव फॉर्म है उसकी और उसके अपन जो अदर पैरामीटर है वो देखते हैं। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं कि सिंगल फेज मिड पॉइंट कन्वर्ट रेक्टिफायर। ठीक है, तो इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने क्या लिया है कि सबसे पहले तो अपने को एक मिड पॉइंट टाइप का मतलब क्या है। मिड पॉइंट टाइप का मतलब है कि जो ट्रांसफार्मर जिसकी प्राइमरी तो सिंगल वाइंडिंग है बट सेकेंडरी में दो वाइंडिंग है और जिसके मतलब जो सेम टर्न रेशो में दो वाइंडिंग डिवाइड की हुई है उसके मिड पॉइंट से अपन ने एक न्यूट्रल वायर निकाली हुई है। ठीक है, तो जैसे देखते हैं अपन डायग्राम इसका, तो डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है अपना। ये मैंने ट्रांसफार्मर की प्राइमरी बना दी। एक्चुअली करते क्या है अपन, अपने पास तो घर में जो अपनी सप्लाई आती है वो तो 230 वोल्ट होती है। ठीक है, तो पहले अपन क्या करते हैं, स्टेप डाउन करते हैं ट्रांसफार्मर से, उसके बाद में अपन क्या करते हैं रेक्टिफाई करते हैं ताकि अपने को डीसी अप्लायंस चलाना हो। तो ये अपना हो गया मिड पॉइंट टाइप कन्वर्टर जिसकी मैंने सेंटर टाइप निकाल लिया। ठीक है, तो ये वाली वाइंडिंग है जो ये इसका रेशो N1 और इसका N1 रेशो सेम होता है हमेशा। ठीक है, तभी तो मिड पॉइंट पे वोल्टेज जीरो होगा, मतलब इस पॉइंट पे वी वो जो वोल्टेज अपना वो जीरो है। ठीक है, इसके बीच में कोर होती है। तो नेक्स्ट का अपन देखते हैं कि मेरे को अब दो SCR लगाने हैं क्योंकि मिड पॉइंट टाइप जो कन्वर्टर होता है अपना वो एक्चुअली क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइकिल में वर्क करता है। ठीक है, तो जैसे कि एक तो मैंने यहाँ पे एक लगा दिया SCR, क्या मैं बोलता हूँ थायरेस्टर, एक मैंने यहाँ पे एक थायरेस्टर लगा दिया। ठीक है, और इन दोनों को वापस जोड़ दिया और बीच में मैंने कहा था कि एक आर एल लोड लगाते हैं, तो ये एल और ये आर। ठीक है, तो इसमें से जो करंट फ्लो होगी अपनी वो तो होगी आई नॉट, इसके अक्रॉस जो अपनी वोल्टेज आएगी वो क्या होगी अपनी वी नॉट, ये अपना आ गया लोड ठीक है। तो ये अपना थायरिस्टर T1 है, तो इसके अक्रॉस जो अपनी वोल्टेज होगी वो क्या होगी VT1, ये अपना थायरिस्टर T2 है, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो VT2 हो जाएगी। ठीक है, ये अपना बीच वाला पॉइंट आई गया यहाँ पे, और ये अपने जो VS लगाई है वो किसके इक्वल अपना Vm sin ωt के। ठीक है, तो होगा क्या जैसे कि फर्स्ट साइकिल देखते हैं अब। ठीक है, तो पॉजिटिव साइकिल में क्या होगा कि ये वाला थायरिस्टर वर्क करेगा पॉजिटिव साइकिल में। ठीक है, क्योंकि ये वाला पॉजिटिव, क्योंकि ये देखो जब ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव और ये वाला टर्मिनल नेगेटिव है तो क्या होगा, जैसे ही सप्लाई बनेगी तो ये वाला पॉजिटिव होगा ये वाला नेगेटिव होगा और ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव को अगर पॉजिटिव टर्मिनल पर अपन दिया, ठीक है, और नेगेटिव टर्मिनल इस लोड के थ्रू घूम के यहाँ पर आ गया तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया। अगर फॉरवर्ड बायस हो गया तो करंट कैसे फ्लो होगी इसमें इस टाइप से। ठीक है, और जो ये वाला नेगेटिव टर्मिनल इसके पॉजिटिव टर्मिनल था तो मतलब ये वाला क्या हो गया अपना रिवर्स बायस। ठीक है, तो मतलब अब जब नेगेटिव साइकिल होगी अपनी, नेगेटिव साइकिल में क्या होगा, ये वाला टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ये वाला टर्मिनल नेगेटिव ये वाला पॉजिटिव, तो मतलब ये वाला जो नेगेटिव साइकिल में ये वाला अपना फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो करंट किस टाइप से फ्लो होगी, इस टाइप से फ्लो होगी अपनी। ठीक है, तो देखते हैं अब इसकी वेवफॉर्म देखते हैं अपन। ठीक है, तो नेक्स्ट जो इसकी वेवफॉर्म है अपनी वो कुछ इस टाइप से होती है। तो वेव फॉर्म में मैंने क्या है अपनी जो फर्स्ट ऑफ ऑल है, तो वेव फॉर्म में फर्स्ट ऑफ ऑल अपन साइनोसोडल लगाते हैं। ठीक है, तो साइनोसोडल के लिए अपन ने क्या किया, सी मैंने एक साइनोसोडल वेव लगाई। ठीक है, तो साइनोसोडल वेव में एक साइकिल कंप्लीट हो गई, ये सेकंड साइकिल कंप्लीट हो गई। ठीक है, ये होगा 0 पॉइंट और नेक्स्ट अपना जो आएगा
वो यहाँ पे होगा, ये मतलब ये अपना वी एस आ गया। तो अब इसके अक्रॉस क्या होगी, अपनी गेट पल्स अप्लाई होगी। ठीक है, तो गेट पल्स अप्लाई करते हैं अपन फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मतलब कौन कब का अपने वो इसको ऑन करना है, तो गेट पल्स देखो मैंने कहा था कि ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में वर्क करता है, तो गेट पल्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइकिल में ही लगानी पड़ेगी अपने को। ठीक है, तो जैसे कि पहले अपनी गेट पल्स यहाँ पे लगा दिए, ठीक है, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट गेट पल्स कहाँ लगाएंगे अपन, यहाँ लगाएंगे, फिर नेक्स्ट गेट पल्स यहाँ पे लग जाएगी, फिर नेक्स्ट गेट पल्स यहाँ पे लग जाएगी अपनी। ठीक है, तो अब देखें अपन जो गेट पल्स हो गया अपना IG बोलते हैं इसको, गेट पल्स देते हैं अपन। ठीक है, तो ये अपना 0 था, ये पाई था, ये 2 पाई था, ये 3 पाई था, ये 4 पाई हो गया। तो अपन ने पहली गेट पल्स अल्फ़ा पे दी है। ठीक है, तो पहले अपन आउटपुट वोल्टेज देखते हैं इसका कैसा आएगा। तो जब गेट पल्स दी है तो उससे पहले तो थायरिस्टर ऑफ रहेगा। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, थायरिस्टर कहाँ ऑन होगा, इस लाइन पे ऑन होगा। ठीक है, तो अगर इस लाइन पे ऑन होगा मतलब यहाँ से गेट पल्स स्टार्ट हुई है इसकी देनी। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ मेरा थायरिस्टर ऑन। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, जब तक मेरा थायरिस्टर नेगेटिव साइकिल वाला ऑन नहीं हो तब तक मेरी जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगी मुझे। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप से मेरे को ऐसे मिला और फिर नेगेटिव में हो गया। ठीक है, नेक्स्ट नेगेटिव वाली को मिलेगी। तो अब यहाँ देख यहाँ पे देखना है कि अपने देखो नेगेटिव वोल्टेज मिलने भी अपने को पॉजिटिव ही मिल रही है, कैसे, क्योंकि जो लोड के अंदर करंट है पॉजिटिव साइकिल में भी ऐसे फ्लो हो रही है और नेगेटिव साइकिल में भी ऐसे करंट फ्लो हो रही है, क्योंकि ये टर्मिनल नेगेटिव हो गया पॉजिटिव हो गया मान लो, तो ये जो ये वाला टर्मिनल नेगेटिव है और ये वाला पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से करंट निकल रही है और वापस इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, इधर में भी इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, मतलब करंट की डायरेक्शन इन द लोड चेंज नहीं हो रही है। और वहीं पे अपन क्या ले रहे हैं, आउटपुट वोल्टेज ले रहे हैं। ठीक है, तो आउटपुट वोल्टेज अपने यूनि डायरेक्शन मिल रही है हर बार। ठीक है, तो इसके लिए अपने जो वोल्टेज मिलेगी वो किस टाइप, इस टाइप से मिलेगी, जैसे कि इसकी जो वोल्टेज होगी अपनी कुछ ऐसे होगी, नेक्स्ट जो वोल्टेज होगी वो कुछ ऐसी होगी अपनी, और उसके बाद फिर नेक्स्ट ऐसी अपनी वोल्टेज मिलती रहेगी बार बार। ठीक है, तो कुछ वोल्टेज यहाँ पे भी होगी अपनी, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये तो अपनी होगी आउटपुट करंट की वैल्यू, वोल्टेज की वैल्यू। ठीक है, ये हो गया वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने फर्स्ट ऑफ ऑल जो दी था अपने अल्फ़ा पे दी थी, अल्फ़ा के बाद ये वाला पाई आ गया, फिर अपन ने नेक्स्ट जो फायरिंग पल्स दी थी वो पाई प्लस अल्फ़ा पे दी है। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 पाई आ गया, फिर 2 पाई प्लस अल्फ़ा पे दी है, ऐसे अपन ने आ गया कि नेक्स्ट पल्स दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक मैं कौन सा वर्क किया, T1, यहाँ से यहाँ तक मैं T2 वर्क किया, फिर यहाँ पे T1 वर्क किया, फिर अगेन T2 वर्क किया। ये T1 एंड T2 थायरिस्टर के नाम है अपन ने, जो अपन प्रीवियसली दिए थे अपन ने। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन देखते हैं इसकी आउटपुट करंट की वैल्यू। तो आउटपुट करंट में एक्चुअली होगा क्या, ठीक है, तो जैसे कि ये वाली वैल्यू थी, ठीक है, इसमें इंडक्टर लगा तो पहले क्या होगा, इंडक्टर चार्ज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इंडक्टर यहाँ से मान लीजिए कुछ चार्ज पहले से इनिशियली था इसके अंदर, तो उसके बाद में अब चार्ज होना स्टार्ट हुआ इसने, तो मान लीजिए यहाँ से कुछ चार्ज होना स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे ये स्टार्ट हो रहा है, जैसे ही वोल्टेज का 0 आएगा, वोल्टेज जहाँ 0 होगा मिनिमम होगा वहाँ पे करंट का मैक्सिमम मिलेगा अपने को हमेशा। ठीक है, तो उसके बाद में अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम करंट है, और थायरिस्टर को ऑफ होने के लिए क्या चाहिए अपने को, होल्डिंग करंट से कम करंट चाहिए होते तब वो थायरिस्टर ऑफ माना जाता है। ठीक है, तो इसके लिए होगा क्या, एक जो नेगेटिव वोल्टेज नेगेटिव चलेगी तो उसमें करंट रिड्यूस होना स्टार्ट होगी। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, नेक्स्ट फायरिंग पल्स मिल गई अपने को, नेक्स्ट फायरिंग पल्स में क्या होगा, वापस से वो चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा इस टाइप से। ठीक है, और फिर नेक्स्ट वाली में फिर डिस्चार्ज होगा, फिर नेक्स्ट वाली साइकिल में वापस चार्ज होना स्टार्ट होगा, उसके बाद में डिस्चार्ज, और ऐसी प्रोसेस चलती रहेगी बार बार ये। ठीक है, तो ऐसा कुछ यहाँ पे भी होगा अपने आउटपुट में। तो ये अपनी क्या हो गई, आउटपुट करंट I0। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि थायरिस्टर कब कब ऑफ और ऑन हो रहा है। ठीक है, तो थायरिस्टर की जो थायरिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज है VT1 और VT2 वो अपन देखते हैं।
यहाँ पे मैं देखता हूँ कि वी टी वन की वैल्यू, ठीक है, तो वी टी वन मतलब क्या हुआ, जब जब टी वन टी टी वन वाली साइकिल देखते हैं अपन, ठीक है, तो टी वन यहाँ पे ऑन है तो मतलब यहाँ पे तो वोल्टेज जीरो होगी इसके अक्रॉस, सिंपल सी बात है। तो मतलब तो यहाँ से यहाँ तक की वोल्टेज तो जीरो है क्योंकि तो यहाँ पे तो ऑन ही नहीं है इतने में, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक मैं ऑन था मतलब ऑफ था, तो मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ रूप में वोल्टेज मिलेगी, ये वोल्टेज स्पाइक मिल गया इस टाइप से कुछ, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे टी टू आ गया, तो टी टू मतलब क्या हुआ, ये टी टू तो टी वन के अंडर आता नहीं है, तो यहाँ पे अपने को वोल्टेज मिलेगी, ठीक है, तो वोल्टेज मिलेगी कैसे, देखो यहाँ पे जब टी टू वर्क कर रहा था तो उस टाइम देखो यहाँ पे मान लो यहाँ पे एक ईवन वोल्टेज थी, यहाँ पे मान लेते हैं वी एम वोल्टेज है, यहाँ पे भी वी एम वोल्टेज है, ठीक है, तो नेगेटिव साइकिल में होगा क्या, ये वोल्टेज उल्टी होगी अपनी, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। तो देखो अगर इस पे वी एम है, ठीक है, तो नेगेटिव पॉजिटिव वापस से नेगेटिव पॉजिटिव इस पे मिलेगा अपने को, ठीक है, तो जो ये वी एम और वी एम है ये नेगेटिव की टू वी एम वहाँ पे अपन को दिखेगी, क्योंकि एक तो वोल्ट लोड के अक्रॉस वोल्टेज आ गई, देखो नेगेटिव और पॉजिटिव और ये भी नेगेटिव और पॉजिटिव, मतलब वी एम प्लस वी एम इसके अक्रॉस कितनी आई, नेगेटिव की टू वी एम आई, ठीक है। देखो ये जो वी एम थी अपनी नेगेटिव साइकिल में, ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा वी एम आ गया, ठीक है, और लोड के अक्रॉस क्या अपना, ये भी नेगेटिव और ये भी पॉजिटिव है, ठीक है, तो नेगेटिव पॉजिटिव ये वाली वोल्टेज जुड़ गई, ये वी एम थी इस लोड के अक्रॉस भी वी एम मिल रही है अपने को, तो वी एम और वी एम माइनस का टू वी एम हो गया, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो अपने को वोल्टेज मिलेगी आउटपुट में वो माइनस की टू वी एम वोल्टेज मिलने वाली है अपने को, ठीक है, वो भी कहाँ तक मिलेगी, नेक्स्ट साइकिल तक, इस टाइप से कुछ मिलेगा, उसके बाद में नेक्स्ट वही वाली साइकिल रिपीट होगी वापस से, ठीक है। सिमिलरली क्या होगा अपना इसमें होगा, तो इसमें जैसे कि ये तो अपना वी टी वन के लिए वोल्टेज थी, तो अगर मैं वी टू टी टू के लिए निकालूँ तो वी टी टू के लिए क्या होगा, जब जब वी टी वन ऑन था तो टी टू के अक्रॉस वोल्टेज मिलेगी, वो भी कितनी नेगेटिव की टू वी एम, जैसे सिमिलरली इसमें मिली थी अपने को, तो वो कुछ इस टाइप से मिलेगी, ठीक है। और फिर नेक्स्ट तो यहाँ तक ऑन था अपना वाला, तो कुछ इस टाइप से अपने को वी टी टू के अक्रॉस वोल्टेज देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये हो गया जीरो, ये जो अपनी है ये इक्वल टू माइनस टू वी एम है, ठीक है, और ये वाली जो अपनी ये भी माइनस टू वी एम के अक्रॉस है, मतलब माइनस टू वी एम की मैग्नीट्यूड की है, ठीक है। तो ये हो गया अपना अल्फ़ा, ये हो गया पाई, फिर यहाँ पे पाई प्लस अल्फ़ा पे अपनी नेक्स्ट पाई फायरिंग पल्स आई थी, फिर टू पाई पे हो गया, ये टू पाई प्लस अल्फ़ा हो गया, ये थ्री पाई और ये थ्री पाई प्लस अल्फ़ा, ओके। तो और जो ये वाला मैग्नीट्यूड है अपना, ठीक है, यहाँ वाला वो क्या है अपना, इसकी अपन बात करें अगर, तो ये है टू वी एम साइन अल्फा, ठीक है। तो ये हो गया अपना वेव फॉर्म, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कि टर्न ऑफ टाइम जो प्रोवाइड होता है सर्किट का वो कैसे होगा, ठीक है। तो अगर टर्न ऑफ टाइम देखें सर्किट का, तो मतलब एक थायरिस्टर कहाँ से कहाँ तक ऑफ रहा है अपना, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा पाई प्लस तो ये देखो अल्फ़ा से लेके पाई प्लस अल्फ़ा हो गई एक तो, ठीक है, तो टोटल कितना था मेरा, जीरो से लेके पाई तक था, ठीक है। तो अगर मैं पाई में से जो अपना टर्न ऑफ टाइम होगा अपना, ठीक है, तो जो टर्न ऑफ टाइम था दो देखिए कैसे होगा, जैसे कि यहाँ पे अपनी थी अल्फ़ा टू पाई, तो यहाँ से यहाँ तक अपनी जो वेव फॉर्म थी वो तो ओमेगा टी है अपनी, ठीक है, तो ओमेगा टी कहाँ से कहाँ तक इक्वल है पाई, मतलब ये पूरी साइकिल थी यहाँ से लेके यहाँ तक हाफ साइकिल थी, हाफ साइकिल में से अगर मैं अल्फ़ा वाला कर दूँ टाइम ऑफ, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक मेरा टर्न ऑफ टाइम हो जाएगा सर्किट का, ठीक है। अगर टर्न ऑफ टाइम ये वाला हो जाएगा तो जैसे मैं लिखूँ,
ओके। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि इसकी जो आउटपुट वोल्टेज है उसकी आरएमएस वैल्यू की, ठीक है, तो अगर अपन वी एवरेज वैल्यू निकालते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, तो वी एवरेज वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करते हैं कि देखो यहाँ से यहाँ तक, ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो साइकिल एक थी, उसका तो रिपीट हो रही है साइकिल बार 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 बार, तो मैं इतने साइकिल का एक आरएमएस निकाल एवरेज निकाल लेता हूँ, सबके लिए सेम ही आएगा, ठीक है। तो वी नोट 1/π, मतलब यहाँ से मैंने यहाँ तक एक साइकिल लिए तो 1/π इंटीग्रेट कर देता हूँ अल्फा से, अल्फा टू पाई प्लस अल्फा, नेक्स्ट साइकिल मतलब नेक्स्ट फायरिंग पल्स कहाँ मिली मेरे को, उसके बाद में क्या आएगा मेरा वी एम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी, ठीक है। तो ये मेरा हो गया वी एम अपॉन पाई माइनस कॉस ओमेगा टी अल्फा पाई प्लस अल्फा, देन जो अपनी आउटपुट वोल्टेज अपने को मिलेगी, ठीक है, वो कुछ इस टाइप से मिलेगी अपने को, टू वी एम अपॉन पाई कॉस प्लस कॉस फाई कॉस अल्फा एक्चुअली, ठीक है, जो अपन लिमिट्स पुट करेंगे वो अपर और लोअर लिमिट, तो उसके बाद अपने को ये वाला स्टेटमेंट कुछ मिलेगा, ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं अपन कि अगर मेरे को आउटपुट वोल्टेज बढ़ानी हो, ठीक है, एवरेज वोल्टेज अपन जो कहते हैं, तो जैसे जैसे मैं अल्फा को वेरी कर रहा हूँ वैसे वैसे मेरी क्या हो रही है, जो वी आउटपुट है वो वेरी हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, ठीक है। तो मैं अल्फा को कहाँ से कहाँ तक 0 डिग्री से लेके एट अ 180 डिग्री तक वेरी कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट अपन अगर बात करें, अगर इसके साथ अपन आरएल लोड का देखें, तो आरएल लोड का मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ जो वी एवरेज वैल्यू आएगी अपनी, अगर यहाँ पर सिर्फ सिंगल आर लोड लगाओ, ठीक है, नॉट आरएल लगाओ, ठीक है, तो अगर सिंगल अपना आर लोड लगा है तो उसके लिए जो अपनी एवरेज वैल्यू आएगी वो सेम वी एम अपॉन पाई 1 प्लस कॉस अल्फा के इक्वल होती है, ठीक है, ओनली फॉर आर लोड। नेक्स्ट अगर बात करूँ मैं आरएमएस लोड वोल्टेज की, ठीक है, तो अगर आरएमएस लोड वोल्टेज है मेरी तो आरएमएस लोड वोल्टेज कैसे दूंगा मैं, तो वी आरएमएस रूट ले लिया मैंने फर्स्ट 1/π से इंटीग्रेट कर देता हूँ अल्फा टू पाई प्लस अल्फा वी एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी और डी ओमेगा टी, ठीक है। तो ये मेरी क्या आ जाएगी, इससे आरएमएस वैल्यू आएगी, ठीक है, जो आरएमएस वैल्यू अपने जो इंटीग्रेट करने के बाद अपने को मिलेगा जो फाइनल आंसर वो कुछ इस टाइप से मिलेगा, तो वो कुछ इस टाइप से होता है कि जैसे कि जैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे अपन, ठीक है, तो इंटीग्रेट करने के बाद अपने आप कुछ ऐसी टर्म बनेगी लाइक वी एम स्क्वायर अपॉन पाई ओमेगा टी माइनस टू साइन टू ओमेगा टी अपॉन 4 अल्फा पाई प्लस अल्फा और पावर 1/2, ठीक है। तो इंटायर लाइफ अपने सारी इतनी वैल्यूज रखेंगे, उसके बाद में जो अपने पास फाइनल रिजल्ट मिलेगा अपने को वो कुछ इस टाइप से होगा अपना वी एम अपॉन रूट टू, जो अपनी आरएमएस वैल्यू अपने को मिलने वाली है, ठीक है फ्रेंड। बट इसके एक मेन डिसएडवांटेज ये है कि ये जो पीक इनवर्स वैल्यू होती है अपनी जो मिड पॉइंट कन्वर्टर की, ठीक है, क्योंकि देखो इस पर 2 VM वोल्टेज आ रहा है एक के ऊपर, तो मतलब क्या हुआ, इस SCR पे स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब इसके ख़राब होने के चांस ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, अपन इसको ज़्यादा यूज़ नहीं लेते हैं, इसकी जो पीक इन्वर्स वैल्यू होती है जब जब ये ऑफ होता है उस टाइम में, ठीक है, जो इसकी PIV है वो अपनी 2 VM होगी, ठीक है, तो इसलिए ये इसका एक डिसएडवांटेज है, इसलिए अपन इसको जनरली यूज़ में नहीं लेते हैं, ठीक है। और सेकेंडली क्या है कि जो इसका सेंटर टैप अपन जो ट्रांसफार्मर ले रहे हैं ये कॉस्टली होता है, तो इसलिए इसकी जो अपनी ओवरऑल कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन यही सेम जो रेक्टिफिकेशन है वो अपन फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर से करेंगे, ठीक है, जिसमें जिसकी पीक इन्वर्स वैल्यू होगी वो भी कम हो जाएगी, और अपन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोड लगा के देखते हैं, जैसे कि आर आर एल और आर एल ई लोड लगा के देखेंगे कि
किस किस टाइप के अपने को आउटपुट मिलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अपन नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।